जिसकी आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू, आप किसे सलाम कर रहे हैं? अपनी रोजी रोटी के बेजुबान मिसाल को, जिसने बरसों पहले हजारों मील की दूरियां तय करके राजा महाराजा नवाबों और प्रेमियों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाए, वो भी निस्वार्थ भाव से। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं छोटे बाबू। कबूतर? इतना सब इतिहास सुनने के बाद भी किसी पर पत्थर फेंकने जैसी वाली बात कही ना? अरे जरा प्यार और सम्मान से कहा होता। क्षमा कीजिए छोटे बाबू, और क्षमा कीजिए आप भी कबूतर महाराज जी। इतना सम्मान देने वाली बात ही है सुंदर, तभी तो सलाम कर रहा हूँ। जरा सोच के देखो, इनके द्वारा अगर संदेश भेजने की परंपरा शुरू नहीं होती तो कुमारी टिकट, श्री पोस्ट कार्ड, श्री अंतरदेशीय और श्री लिफाफा का जन्म नहीं होता। इसी प्रकार हरकरा की परंपरा नहीं बढ़ती और डाक सेवाएँ शुरू नहीं होती, और बिना डाक विभाग के पोस्ट मास्टर सहायक, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन के रूप में ना बड़े बाबू मुझे और मुसीबत को काम मिलता, ना सामने तुम्हारी ये कैंटीन खुलती। फिर क्या वजह हो सकती है कि दूर दूर से हम लोग यहाँ आकर मिलते? धन्य हो छोटे बाबू, और धन्य हो कबूतर महाराज जी। आपकी बातों के आधार पर कबूतर पुराण रचना हो सकती है। आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में कबूतर महाराज जी के लिए एक भक्ति भावना जाग उठा। कल से मैं सूर्य नमस्कार छोड़कर मैं कबूतर नमस्कार करूंगा। हे कबूतर महाराज जी, आप मेरे नमस्कार ग्रहण करो प्रभु। उड़ गया है? लगता है तुम आज नहा के नहीं आओ। चलो जी। खैर, इस प्रायश्चित के रूप में तुम हम लोगों को गर्मा गर्म चाय पिलाओ। लीजिए सुंदर सेठ, आपका प्रायश्चित का सामान तैयार है। आप जाइए, मैं संग्राम के हाथों चाय भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग छोटे बाबू, अब आ ही गए हो तो वेलकम। एक बात पूछ राजेश, ये टेलीफोन की ट्रिंग ट्रिंग, ये टेलीग्राफिक मशीन की टिक टिक, ये फाइलों और चिट्ठियों भरा दफ्तर, क्या इन सब के अलावा तुम्हारा दिल और कहीं नहीं लगता? सच कहते हैं बड़े बाबू, तन्हाई में ये दिल ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। क्यों ना हो, तुम खुद जो अपने दिल के सबसे बड़े दुश्मन हो। बड़े बाबू सच कह रहे हैं छोटे बाबू, आप शादी कर ही लीजिए। आपका शादी करने से आपका दिल भी लगा रहेगा और हम लोग के दिल की मुराद ही पूरी हो जाएगी। मुसीबत सच कह रहा है छोटे बाबू, आप शादी कर ही लीजिए। लगता है मुझे बड़े बाबू और तुम लोगों के तसल्ली के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या आप सचमुच शादीशुदा हैं? कितनी बार तो कह चुका हूँ, फिर भी किसी को यकीन नहीं। बड़े बाबू अब आप ही बताइए, जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री को उसकी भरी हुई मांग और मंगल सूत्र से पहचाना जाता है, उसी तरह मर्द के लिए कोई निशानी क्यों? क्या बात कही आप छोटे बाबू, लीजिए इसी बात पर आप एक गरम गरम चाय पीजिए और आप भी पीजिए। जानता हूं कॉलेज के जमाने में तुमने बहुत से नाटक किए हैं और डायलॉग बोलने में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आज खाने के वक्त पूरी तैयारी से आना,
तुम्हें अपने भाभी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, उसके सिवा तुम्हें कोई रास्ते पर नहीं ला सकता। चल मुसीबत, फिर क्या खोल रहे, वक्त हो गया। अरे क्या हाल है बलदेव? अरे पपीता तो मनी ऑर्डर में नहीं जाएगा, इसे तो पार्सल करना पड़ेगा। ये तो आपके लिए है छोटे बाबू। राजेश जी, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, दोपहर को खाना खाने के लिए जरूर घर आ जाना। जी अच्छा। बलदेव ये चीज है तो मुझे बहुत पसंद, बताओ इसकी कीमत क्या? नहीं छोटे बाबू, इसकी कीमत कैसी? कीमत तो लेनी ही पड़ेगी, बोलो क्या? तो फिर एक छोटे भाई के प्यार की कीमत जो हो सकती है दे दीजिए। मैं हार गया बलदेव, लाओ मनी ऑर्डर के पैसे दो। फार्म में भरना। छोटे बाबू मैं चिट्ठी बांट के आता हूँ, जल्दी आ जाना है मुसीबत, मुझे घर जाना है। अच्छा जी, ये छोटे बाबू मैं चलता हूँ। लीजिए। अरे दो मिनट रुक जाओ, ऐसे क्या जल्दी है? छोड़ो जी, ये क्या बचपना है, ये क्या हमारी उम्र है क्या? अरे जो बूढ़ा हो चला है वो शरीर है, दिल भी कभी। अरे छोड़ दे आजकल, ज़माना क्या कहेगा। लो आ गए तुम्हारे लाडले। 100% लाडला बड़े बाबू। लो भाभी, आज बलदेव चाचा ने तुम्हारे लाडले के लिए ये मनपसंद चीज भेजी। सुनो, तैयारी कर लेना। मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं, आप कहो तो आप कर लीजिए। मैंने भी इस मैगजीन में से कई डायलॉग याद कर लिए। एक तरफ बड़े बाबू, दूसरी तरफ भाभी कमला, बेटा राजेश, आज होगा बड़ा जोरदार हमला। शुरू कीजिए, तू भी शुरू करते राजू। हम तो शुरू हो जाते हैं, तुम भी शुरू हो जाओ। पहले तो बेचारे को खाना तो खाने दीजिए। भाभी ठीक कहती हैं बड़े बाबू, बलि के बकरे को खिलाने पिलाने का दस्तूर भी है। खाते समय उल्टी सीधी बात की ना तो मार खाएगा। आई थिंक गलती हो गई। कमला यही तुम्हारी कमजोरी है, जब अधिकार समझती हो तो पूरी ताकत से हथेली जमा दो, फिर देखना इसकी जबान की रॉन्ग डिलीवरी की आदत कैसे छूट जाती है। मारपीट से कभी बच्चे सुधरते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनका कल्याण तो लाड़ प्यार से होता है, जैसा तुम करती हो। देख राजू, तेरे लिए मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती है। बेटे के लिए माँ को इतना तो सुनना ही पड़ता। राजू सच कहना बेटे, तेरी शादी हो चुकी है। तेरे चरणों की सौगंध खा के तुम पर मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर बहू को क्यों नहीं ले आता? यही तो मजबूरी है। क्या दोनों की आपस में बनती नहीं? खूब बनती है। क्यों? घर वाले भेजना नहीं चाहते। ये भी बात नहीं। तो फिर तू उसे क्यों नहीं लाता? मैं उसे क्यों नहीं लाना चाहूंगा? हो सकता है आसमान की परी हो, हम दोनों और गांव वालों ने वैसी लड़की देखी ही ना हो। सच में बड़े बाबू, वो परी धरती की नहीं आसमान की है। आप उसे चेड़ा क्यों देते हैं? अच्छा राजू, मुझे उसका पता बता दे, मैं उसे जाकर ले आऊंगी। भाभी मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। तो तुम खुद जाके उसे ले आओ। मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ तो? लेकिन हर बार वो कहती है थोड़ा ठहर जाओ फिर आ जाना। क्या ये मुलाकातें सपने में होती है? आप चाहे जो समझ लिए बड़े बाबू, लेकिन उसके बिना रहना मुमकिन भी तो नहीं। अगर तुम दोनों में इतना प्यार है तो फिर शादी के बाद डर किस बात का? ले आओ उसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा भाभी। अच्छा चलो। कहाँ? शहर? बहू को लाने? फिलहाल तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मौका मिलते ही चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। लो हो गई तसल्ली? थोड़ी बहुत। एक ग्लास पानी भी देना। जरा ठहरिए पहले इनको दे दो। हाँ भाई, एक चाय मेरा भी देना। यार सुंदर, भूख के मारे यार हालत खराब हो रही है।
मोनर एक ग्लास पानी तो लाया। ठहरे मुझे भैया, पहले ग्राहक को दे दूं। पानी दे दे। तुमको पानी चाहिए? अगर पानी पीना है तो मोहन के हाथ के क्यों अंदर जाकर वालेकुम अस्सलाम मियां। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा के बच्चे मैं पूछता हूँ मेरी कमों कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अब्बा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है मैं खुद ही अंदर जाके देख लेता हूँ, चल भी अंदर। अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जाके छोटे बाबू को बोल कि मुसीबत में मुसीबत आया। जा छोटे बाबू जल्दी चलिए, मुसीबत में मुसीबत आ गई। क्या हुआ? कम्बो मुसीबत के लिए खाना लेकर आए तो पीछे पीछे बड़े मियाँ आ गए, अब राम जाने क्या होगा। अच्छा तुम चलो, मैं बेवकूफ समझता है मुझे कुछ नहीं मालूम कम्मू का। अरे मर्दूद अपनी नापाक जबान से अल्लाह की कसम खा के झूठ बोलता है कमीने। क्या बात है बड़े मियाँ, आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। छोटे बाबू इसे समझा दीजिए मेरी कम्मू का पीछा छोड़ दे और मेरे आबरू पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है, जात पात का कोई ठिकाना नहीं और मेरा दामाद बनने की कोशिश कर रहा है। इसे मैं जरूर समझा दूंगा कि बेटी की शादी माँ बाप की मर्जी से ही होनी चाहिए, लेकिन बड़े मियाँ कम्मू को तो थोड़ी देर पहले मैंने उस तरफ जाते देखा था, वो तो यहाँ है भी नहीं। क्या कम्मू यहाँ आई थी? सच सच बता। नहीं छोटे बाबू, मैंने देखा ही नहीं उसे। बड़े मियाँ आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं दोनों को समझा दूंगा और आप यकीन रखिए कि आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। देख ना मुराद, आज छोटे बाबू की बात मानकर तुझे छोड़ दे रहा हूँ, फिर कभी तू कम्मू के साथ नजर आया तो तेरी वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा? कम्मू चले जाए ऐसे कम्मू तो, वरना तेरे जल्लाद बाप ने अगर देख लिया ना तो मेरा जो कुछ होना वो तो होगा ही, लेकिन तेरी भी खैरियत नहीं कम्मू। कम्मू चले जाए ऐसे। तू घबरा मत मुसीबत, वो अब नहीं आएंगे, छोटे बाबू उन्हें समझा कर लेके गए हैं ना, अब तू जल्दी जल्दी खाना खा ले। कम्मू ये रोटी मेरे हलक से नहीं उतरेगी। कम्मू कम्मू तू इसे रख दे। कम्मू तू चले जा कम्मू यहाँ से। कम्मू वरना तेरे बाप ने अगर देख लिया ना तो बहुत खराब हो जाए। कम्मू कम्मू जा, कम्मू जा जा जा। अब तुम मेरे जीवन में सिर्फ एक सवाल बन के रह गई हो। इस सवाल से बचने के लिए मैं कहां से कहां भटकता रहा। आज भाभी ने फिर तुम्हारा सवाल उठाया। मैं इस सवाल से थक गया हूं मीरा, बहुत थक गया हूं, इतना थक गया हूं कि जीना भी मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं मीरा, तुम्हारे पास आ रहा हूं। कौन है? होश में हो, ये क्या पागलपन है? मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। कौन हो तुम? कहां से आई हो?
मरना क्यों चाहती हो? देवी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ बोलो ना, क्यों मर जाना चाहती हो बताओ ना। मैं जी नहीं सकती। इतने बड़े सवाल का इतना सा जवाब, क्या मजबूरी है? मैं मां बनने वाली हूं। अरे वाह, इतने बड़े खुशी के मौके पे तो लोग मिठाई बांटते हैं और तुम मरने जा रही हो। माँ जैसा पवित्र नाम सौरत के जीवन में कलंक बन जाए, वो जी कैसे सकती है? प्यार में ठोकर खाया हुआ हर इंसान जिंदगी से भागकर मौत का सहारा लेना चाहता है। तो मरना चाहती हूं, मर जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन वो निर्दोष जो तुम्हारे पेट में पनप रहा है, उसे मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? वो इस दुनिया में खुद नहीं आया, बुलाया गया। ये पाप है और इसका मिट जाना ही अच्छा है। पाप और पुण्य का समझना इतना आसान नहीं है, ये ऊपर वाले का डिपार्टमेंट है, उन तक ही रहने दो। तुम्हारे मुताबिक अगर मान भी लिया जाए कि यह पाप है, तो पाप से मुक्ति मर के तो नहीं मिलती, प्रायश्चित करके मिलती है, और प्रायश्चित सिर्फ जी कर ही हो सकता है। क्या मुंह लेकर जिएगा वो जिसके जन्म से उसके ऊपर कलंक का दाग हो? क्या समाज हमें चैन से जीने देगा? हाँ ये बात तो है, इस समाज में जीने के लिए अपने नाम के पहले बाप के नाम का होना बहुत जरूरी है। मेम साहब, मैं जिंदगी भर नाटक ही करता आया हूं, इसके लिए भी कर लूंगा। इसे बाप का नाम तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पति का नाम कभी नहीं दे सकूंगा। दुनिया में जीने के लिए रिश्ते का दिखावा जरूर होगा, लेकिन हकीकत में नदी के दो किनारों की तरह एक अंत से दूसरे अंत तक जिंदगी का सफर तय होगा। कोई कभी किसी को छूने तक की कोशिश नहीं करेगा। मैं इतना ही कर सकता और इतना ही कह सकता हूं कि जियो, अपने लिए नहीं, उस मासूम निर्दोष के लिए। देखो, यह समाज तो अब तुम पर उंगली उठा नहीं सकता, लेकिन अब भी अगर तुम खुदकुशी करना चाहती हो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। सच्चाई को मानकर जीने का फैसला लेने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? मीरा। तुम्हारे नाम के साथ अब तुम्हारी जिंदगी का बहुत गहरा संबंध होगा जी। संसार में रहकर भी जोगन बन के रहना होगा तुम्हें, यही है तुम्हारा प्रायश्चित।